हेलो अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी डॉक्टर जहांगीर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डॉक्टर जहांगीर खान वेट टू वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरे और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइंडिंग है सो अगर आप देख लें तो यहाँ पे हाइपर लोसेंसी है वी कॉल दिस हाइपर लोसेंसी द ट्रेक इज शिफ्ट द राइट साइड एंड देर इज हाइपर लोसेंसी और वास्कुलर मार्किंग नहीं है अगर आप फोकस करें यहाँ पे हाईपरलूसन एरिया है सर और लंग मार्किंग इधर नहीं है एन कैन यू अप्रिशिएट दिस मार्जन यहाँ पे आप फोकस करें यहाँ पे आपको लंग मार्जन नज़र आएगा अगर आप इधर फोकस करें तो आपको यहाँ पे ये यह लंग सारा पड़ा है ये उसका मार्जन है और ये यह यहाँ पे वस्कुलर मार्किंग नहीं है सो इट मीनस एंट्री इज़ शिफ्ट टू द राइट so it means this is left sided tension pneumothorax tension pneumothorax why it is called tension because trachea is shifted to the other side and there is uh, left side pneumothorax with trachea and mediastinum shifting to the other side so when I pass the chest tube this is the X-ray after the chest tube you can appreciate the chest tube over here ye chest tube here and you can appreciate लंग मार्जन अगेन यू कैन इफ़ यू फोकस आन दिस दिस इज़ द लंग मार्जन तो इसमें लंग एक्सपेंड हो गया है आफ्टर चिस्ट एंड ट्यूबेशन लंग इसका एक्सपेंड हो गया बस इतना सारे में रह गया है छोटा सारे में इसका रह गया है ना कमिंग टू दिटी ऑफ द सेम पेशेंट तो सिटी में भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ये आपका चिस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है ये सारा आपका चिस्ट ट्यूब पड़ा है ये वाला आप फॉलो करेंगे तो आपको ट्यूब नज़र आएगी ये सारा ट्यूब है और इसके साथ जो ये जो चीज़ है, ये लंग मार्जिन है तो ये न्यूमोतोरिक्स है लेफ्ट साइडेड न्यू लेफ्ट साइडेड न्यू लेफ्ट साइडेड न्यू तो इसको मिस नहीं करना स्पेशली लंग मार्जिन को देखना है और एरिया को देखना है जहाँ पे लंग जो वॉस्कुलर मार्किंग है वो नहीं है तो लंग मार्जिन आपने देख लिया तो इसे लेफ्ट साइड न्यूमोतोरिक्स अगर आप सिटी को फोकस करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा एक कंसोलिडेशन पेज है यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन पेज मिलेगा दिस वाज द रीज़न ऑफ न्यूमोटोरिक्स ये न्यूमोटोरिक्स का रीज़न है ये न्यूमोतोरिक्स का रीज़न है क्योंकि जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसका जो प्लूरा होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जब वो वीक हो जाता है तो वो फिर रपच्चर हो जाता है उस वजह से जो है एयर लीक होता है प्लूरल स्पेस में दैट्स ऑल For today, thanks for watching.